हम सब ने ठाना है शिखर जी बचाना है, झारखंड सरकार के खिलाफ विरोध। उप जिलाधिकारी महोदय ग्रौठा को दिया ज्ञापन। गुड़सराय में आज दिगंबर जैन समाज गुड़सराय के द्वारा 21 दिसंबर 2022 को अपने अपने व्यापार बंद रखकर समाज के सभी पुरुष महिला बच्चों ने झारखंड सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोला। झारखंड सरकार ने भारतवर्षीय जैन समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। श्री शाश्वत सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित किया। इससे भारतवर्षीय जैन समाज में काफी रोष है। आज गुड़सराय के सभी समाज के लोगों ने झारखंड सरकार होश में आओ, हम सब ने मिलकर ठाना है समवेत शिखर को बचाना है के नारे लगाकर दिगंबर जैन मंदिर से रैली निकाली, जो नगर के मुख्य बाजार बजरिया से होते हुए थाने की पुलिया, सरकारी अस्पताल मोदी चौराहा एवं कटरा चौराहे से होते हुए जैन मंदिर पहुंची, जहां से सभी जैन समाज के लोग गाड़ी से सवार होकर उप जिलाधिकारी महोदय ग्रौठा के कार्यालय पहुंचे। ये है कि हम लोगों का झारखंड वर्तमान में झारखंड प्रदेश में हमारे तीर्थराज समेत शिखर जी वहां स्थित है, जहां से जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों का निर्माण भूमि है। 24 तीर्थंकर होते हैं हमारे, उसमें 20 तीर्थंकरों की निर्माण भूमि अत्यधिक पवित्र, हम लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र, और उसमें हम अपनी मान्यताओं के अनुसार जो हमारे अहिंसा का जो विशेष महत्व है हमारे धर्म में, उसके अनुसार वहाँ क्रियाएँ संपन्न करते हैं। अब झारखंड सरकार ने उसको पर्यटन स्थल जो घोषित किया है या पर्यटन स्थल बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उससे हमारी धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुँचेगी और हमारी आस्था पर चोट पहुँचेगी, क्योंकि वहाँ पर्यटक स्थल बन जाने से वहाँ किसी तरह की गतिविधियाँ जैन धर्म के अनुसार नहीं होंगी, ना जैन जो हमारे शास्त्र सिद्धांत हैं उन पर वहाँ आचरण, तो हमारी धार्मिक मान्यताओं को जो ठेस पहुँचने वाली है उसको रोकने के लिए हम लोग, क्योंकि ये हमारे स्थल है, सिर्फ जैन धर्मावलंबियों से ही वहाँ मतलब है, तो उससे हम लोग विरोध कर रहे हैं कि वहाँ उसको पर्यटन स्थल घोषित न करके हमारी मान्यताओं के अनुसार हमें उसको संचालित करने का ही अधिकार, जैसा पूर्व में भी रहा है वर्तमान में भी रहना चाहिए। संबंध में ज्ञापन दिया गया, इस संबंध में वहाँ झारखंड सरकार ने हमारा 20 महाराज जो स्थली है समय सका उस पर पर्यटक स्थल घोषणा की है, उसके लिए विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसको स्वीकृता हटवाया जाए, सरकार अपने जो दिया है आदेश वापस ले। ये आज आप लोगों ने जुलूस निकाला है, जैन समाज के लोगों ने 21 बजे से जुलूस निकाला गया है, झारखंड सरकार के बारे में जो नारे लगाए जा रहे हैं, क्या विरोध है? झारखंड सरकार ने हमारी समय से कर पवित्र भूमि को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है, इसलिए हम लोगों ने आदेश जारी, इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे कंटक को चित्रकूट की तरह किया जाए, ये हमारे 20 करोड़ के मोक्ष स्थली है, हम इसको बचाना चाहते हैं। यदि पर्यटक स्थल, अगर ये सरकार पर्यटक स्थल बनाती है तो इससे क्या नुकसान है? यदि पर्यटक स्थल बनाती है, इसमें मात मद्रा और मांस भक्षण आदि सारी गंदी बुरी पेशनों का जूता चप्पल पहन के भी लोग जाएंगे, पहन करके मंदिर में जाएंगे, इससे हमारा पवित्र स्थान का अपवाद होगा, इसलिए हम इसको सिद्ध क्षेत्र मोक्ष भगवान की 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली को पवित्र बनाना चाहते हैं, पवित्र भूमि घोषित करना चाहते हैं और वापस लेना चाहते हैं। जैन समाज के गुलाब चंद जैन, जिनेंद्र जैन, चक्रेश जैन, छोटू लंबरदार, दीपक जैन, नुनार प्रिंस जैन, मिलाप, रिंकू, सोनू, टिल्लू, राजू जैन, नवीन, समया, अनंत जैन, नुनार, राजकुमार जैन, रवि जैन, नरेंद्र जैन, छोटे सिंघई, बॉबी जैन, गोलू जैन, अमन जैन, नमन जैन, शिखर चंद जैन, राजेश जैन, सीटू जैन, पार्षद राखी जैन, सौम्या जैन, लोनार परिजन, रजनी जैन, विनीता जैन, पिंकी जैन, मंजू जैन, चेतना जैन, समस्त जैन समाज के लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। गुड़सराय से हरिचंद्र नायक, रिपोर्ट बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।